गुड मॉर्निंग। आज है मंथली एक्सपायरी का डे। अगर हम बात करें कल के जितने भी मेजर इंडेक्स हैं, सभी लाल निशान में बंद होते हुए हमें दिखाई पड़े हैं। फोकस करें अगर निफ्टी की, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आया 200 के आसपास, यानी 18,200, वहीं उसी के आसपास सपोर्ट लिया। हमारे लिए आज के लिए भी ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 18,350 की रेंज दिखाई पड़ रही है। लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन है, अगर हम सोचें कि कुछ हमें बड़े मूव दिखाई सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग या फिर ब्रेकडाउन, तो उसके बाद हमें नीचे की तरफ हमें 1850 तक के भी लेवल दिखाई पड़ेंगे अगर नीचे आते हैं तो। अदरवाइज हमें 350 ब्रेक होता तो हमें दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल, सभी मिक्स हैं, कहीं बड़ी गिरावट नहीं है, नहीं कहीं बहुत बड़ी तेजी दिखाई पड़ रही है। एज एक निफ्टी की बात करें 237 के आसपास दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। तो एज ऑफ नाउ सभी न्यूट्रल दिखाई पड़ रहे, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रूड ऑयल 2% डाउन है, लेकिन नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर में ये आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं, हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। करेंसी मार्केट की बात करें, आप यहाँ देख पाएंगे यूएसडी आना अगेन 75 प्लस चल रहा है। एंड जितने भी करेंसी मार्केट है, मेजॉरिटी आज के दिन ग्रीन निशान में ही काम कर रहे हैं। उसके बाद बात करें कल के दिन FIIs की, अगर हम बात करें कंटिन्यूसली आपके सामने 19 अक्टूबर से लेकर अभी तक 27 अक्टूबर का डेटा आपके सामने, हर दिन इन्होंने बिकवाली की है और जो नंबर है वो अच्छा ही है। साथ ही में अगर जो जिन्होंने मार्केट को संभाला हुआ है वो है DIIs 21 अक्टूबर से जो है एक्टिव हो गए थे, जिस दिन निफ्टी ने लो लगाया था, तो वहाँ से इन्होंने मार्केट को कुछ सपोर्ट किया। अदरवाइज पहले ये भी प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे थे, तो ऐसे में अगर ये और भी अगर इसी तरह सपोर्ट करते तो हमें कम गिरावट दिखाई पड़ सके। अगर इन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं आज के दिन डेटा किस तरह से निकल के आता है। ये वो कुछ कंपनी है जिनके रिजल्ट आज के दिन आने वाले हैं, तो आपकी नज़र इनके ऊपर डेफिनेटली होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व, अडानी ग्रीन, NTPC, ये वो नंबर, ये वो कंपनी है, SBI कार्ड, एंड उसके बाद इंटरग्लोब एविएशन, मेरिको, टाटा पावर, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, गुजरात गैस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि एक्शन भरपूर रहने वाला है आज के दिन मार्केट में। उसके बाद जिनके रिजल्ट आए हैं, दीपक नाइट्रेट एक बेहतरीन कंपनी में इसका नाम निकल के आता है। एंड जो कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया है Q2 की अगर हम बात करें, वो है आप यहाँ देख सकते हो 254 CR पोस्ट किया है। इससे पहले अगर पिछले साल की बात करें इसी टाइम तो 170 था, यानी 170 से 254 हुआ है, तो किस तरह से प्रॉफिट जंप हुआ है आपके सामने। साथ ही में इसका रेवेन्यू भी जंप हुआ अच्छा खासा, 987 से हो चुका है 1600 प्लस, तो आप इस चीज़ को ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो। इन नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें क्यूमिंस इंडिया के, इसके भी रिजल्ट आए हैं, एंड आप यहाँ पे देख पाओगे जो कंपनी ने इस बार नंबर पोस्ट किए 221 करोड़ पोस्ट किए हैं, जो इससे पहले थे पिछले साल की अगर हम बात करें 173 से एक साल में 221 हो चुके हैं। साथ ही में इसके रेवेन्यू भी बढ़े हुए, एक्शन रहेगा। अगले जो रिजल्ट आए हैं यूनाइटेड ब्रिवरीज के ऊपर आए, आप यहाँ देख पाएंगे जो कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए 80 CR के आसपास किया, और पिछले साल Q2 इसी वक्त 4 CR के आसपास, 4 करोड़ से 80 CR, तो आप समझ सकते हो किस तरह से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। साथ ही में अगर हम बात करें रेवेन्यू 900 करोड़ से हो चुका है 1400 करोड़ प्लस, तो एक्शन रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ निफ्टी कंपनीज का, पहला नाम निकल के आता ITC का, ITC के भी रिजल्ट आए हैं, एंड जो नंबर्स हैं उसमें या फिर जो हम बात करें इनकी जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें हमें 10% की जंप दिखाई पड़ रही है। इनकी जो रिकवरी हुई है किसी एक सेक्टर में नहीं है, फिर चाहे हम इनके टबैको की बात करें, सिगरेट की बात करें, होटल की बात करें, चीज़ें जब से ओपनिंग हुई है, इकॉनमी ओपन शुरू होनी शुरू हुई है, तब से ब्रॉड अगर हम बात करें ब्रॉड बेस रिकवरी हुई है, तो इनके नंबर ऐसे में दिखाई पड़ तो ठीक रहे। साथ ही में अगर हम बात करें लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसके भी नंबर आए हैं, एंड जो इन्होंने दिखाया 67% का ड्रॉप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, यहाँ पे हमें एक डिप दिखाई पड़ रही है आपके सामने। एंड अगर हम बात करें इससे पहले जो कंपनी ने दिखाया था, कंपनी हैड पोस्टेड नेट प्रॉफिट 5520 CR ईयर एगो इसी टाइम में, 5520 से अभी हो चुका 1819, तो एक शार्प डिप आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें तो इसका इफेक्ट तो रहेगा, साथ ही बजाज ऑटो के भी नंबर आ चुके हैं टू व्हीलर मेजर, इनकी बात करें 71% की जंप हुई है, तो ऐसे में कंपनी के लिए अच्छी बात हो सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, ये आपको दिखाई पड़ रहा है 2000 प्लस इतने का, आपको इतने शेयर का दिखाई पड़ रहा है, तो कुल मिला के नंबर यहाँ कंपनी के ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। प्लस जिस टाइप का अभी मूड माहौल बना हुआ है, प्लस हमारी यही बात हुई थी संडे के दिन कि यहाँ से ऑटो कंपनीज अच्छा नंबर दिखा सकते हैं, सिर्फ इसी टाइम नहीं, अगले एक दो क्वार्टर की अगर एक दो महीने की बात करें, स्पेशली अगर बात करें सेल्स की, तो यहाँ से इनके ऊपर एक्शन रह सकता है ऑटो कंपनीज के ऊपर भी।
बात करें विप्रो, विप्रो में क्या न्यूज़ है? आईटी फर्म है, हम जानते हैं, इन्होंने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। किसके साथ कर लिया है? केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसे आज हम बोलते हैं केरला बैंक के साथ। तो अगर मल्टी ईयर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका, तो कंपनी के लिए अच्छी बात हो जाती है। एक चीज़ तो ये रही, प्लस आईटी सेक्टर की बात करें, अच्छा खासा भी करेक्ट हुआ है। तो बहुत सारे शेयर की बात करें, उसमें भी अगर हम बात करें मिड कैप या फिर लार्ज कैप की, सारे अच्छे लेवल के आसपास में, इसलिए इन लेवल के आसपास से आईटी के ऊपर नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। और जिनके साथ इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, केरला बैंक करेंटली रन 15 डिफरेंट कोर बैंकिंग एनवायरमेंट इन फाइव कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो कुल मिला के इनके साथ तो इन्होंने किया है, अच्छी खासी इनकी भी प्रेजेंस है जहाँ ये काम करते हैं। इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो, विप्रो के ऊपर। टाइटन के रिजल्ट आए हैं, टाइटन के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, नियरली फोर फोल्ड की जंप हुई इनकी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। डेफिनेटली इनके ऊपर नज़र रख सकते हो, एक निफ्टी कंपनी है, क्योंकि जो ये कंपनी है निफ्टी के, जो जिनके रिजल्ट आए इन्हीं के बेसिस पर निफ्टी मूव करने वाला है आज के दिन। ग्लोबल मार्केट तो सुस्त हैं, लेकिन जब हम गिर रहे थे तब ग्लोबल मार्केट इस तरह से नहीं गिर रहे थे। तो हमारे अपने ही रीज़न है, अपने ही रिजल्ट है और अपना ही रिएक्शन है। तो ज्यादा उनके ऊपर, बहुत ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत हमें एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ नहीं रही है। तो इसके ऊपर आप नजर रख सकेंगे। साथ ही में अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक, इसके अगर हम बात करें पोस्टेड किए हैं 73% के जंप किए हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सेप्टेम्बर में। तो यहां पर हमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लोअर इनके प्रोविजनिंग भी हुए एंड दिस इज़ गुड फॉर द बैंक। तो इससे पहले हमने ICICI का देखा था, वही बात करा, अगर ये सारे लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं या फिर जिस भी डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं, बहुत सारे निफ्टी कंपनीज़ के कहाँ आए, आठ या नौ कंपनीज़ के रिजल्ट कल के दिन आए, तो उस हिसाब से निफ्टी भी काम करने वाला। SBI लाइफ आप यहाँ देख सकते हो, इसके अगर हम बात करें रिपोर्टेड 17.7% डिक्लाइन किए इन नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पे इनके डिप आया 247 CR है सेकेंड क्वार्टर में। तो इससे पहले जो कंपनी ने दिखाई थी 300 करोड़ से हो चुका है 247 इस बार। तो यहाँ पे हमें एक डिप दिखाई पड़ रहा है 17% के आसपास। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें अडानी एंटरटेनमेंट, इसके ऊपर भी न्यूज़ है, रिपोर्टेड 50.53% के डिक्लाइन इसके ऊपर भी है। तो यहाँ पर भी इनका डिप दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 435 करोड़ दिखाया था और अभी है 194। तो आपके सामने नंबर्स हैं। उसके बाद बात करें वेल्सपून इंडिया, एक अच्छी कंपनी में इसका नाम निकल के आता है, टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है। तो वैसे में इनको जो रिजल्ट इन्होंने जो दिखाया है 7.23% की उसमें राइज दिखाया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। पिछले साल अगर बात करें जून टू सेप्टेम्बर, जुलाई टू सेप्टेम्बर क्वार्टर की बात करें 187 CR इन्होंने दिखाया था, अभी 187 से हो चुका 201 प्लस जंप हुई है। बहुत बड़ी जंप नहीं है, बट जंप है, आपके सामने है। साथ ही में अगर बात करें टाटा केमिकल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा तो हम जानते ही हैं, तो ये पोस्टेड किया है 88% के जंप दिखाया। तो दीपक नाइट्रेट के अच्छे रिजल्ट है, टाटा केमिकल्स के अच्छे रिजल्ट है, टाइटन के अच्छे रिजल्ट है, नज़र रख सकते हो। 88% की जंप है इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, 248 करोड़ दिखाया इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे आप नज़र रख सकते हो। उसके बाद न्यूज़ है डालमिया भारत के ऊपर, 9.91% का फॉल है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। इससे पहले अगर हम बात करें पिछले साल की 232 करोड़ था, अभी वो 232 से हो चुका है 209, आपके सामने एक डिप दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें JK पेपर्स, इसके रिजल्ट बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं, 3-4 की जंप है, प्लस मार्जिन भी इनके बढ़े हुए। इस बार जो भी आप जिस भी कंपनी में जिस भी टाइप के आप ट्रेडर हो, अगर आप बैलेंस शीट पढ़ते हो, जानते हो, सुनते हो, तो आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए, मार्जिन के ऊपर। जितने भी कंपनीज हैं जिनके अच्छे रिजल्ट हैं उनकी मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, सभी के नेट प्रॉफिट अच्छा है, कंसोलिडेशन अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मार्जिन किसी के नहीं बढ़े हैं। हमने एशियन पेंट में देखा, या फिर और भी, एशियन पेंट एक नाम आ गया, तो उससे ज़्यादा उसी के वजह से मार्केट उनको अच्छी खासी उनको रिएक्शन दे रहा, पिटाई चल रही है। मार्जिन नहीं बढ़े, मार्जिन का इशू यही रहा है, जो इस टाइम रॉ मटेरियल के उनके कॉस्ट बढ़ गए थे, तो समहाउ उनके मार्जिन उस तरह से बढ़े नहीं है डिस्पाइट कम हुए। तो इस बार का क्वार्टर टू के अगर हम बात करें, सभी के मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो JK पेपर की अगर हम बात करें, इनके मार्जिन भी ठीक ठाक बढ़े, इनके कम नहीं हुए, इनके 3-4 की जंप हुई है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। तो जो पहले था 33 CR, अभी वो हो चुका 118, तो इनके भी अच्छे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, नज़र रहनी चाहिए आपके। रिलायंस पावर की बात करें, अनिल अंबानी ग्रुप फर्म है, रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट लॉस 49 CR के नेट लॉस के, इससे पहले जो था नेट जो लॉस था वो था 105, तो 105 से अगर हम बात करें 49 के आसपास है इन्होंने लॉस ही पोस्ट किया, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हो। अदरवाइज अगर हम बात करें, पावर कंपनी ने अच्छा काम किया है, लेकिन पावर कंपनीज में भी अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे फंडामेंटल के साथ होनी चाहिए।
मेजॉरिटी न्यूज़ को हमने कवर करने की कोशिश की, बाकी लेवल्स आप समझ गए। ऑप्शन चेंज के हिसाब से एक जो रेंज दिखाई पड़ रही है 200 से लेकर 350 का, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ती है तो बड़ी दूर के लेवल दिखाई पड़ेंगे, 400-450 के भी लेवल दिखाई पड़ेंगे। एंड अगर इसी बीच में रह गए 350 के नीचे तो फिर रह गए, तो इन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मार्केट एज एन हाउ बिल्कुल ठीक ठाक सा है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो मॉर्निंग अपडेट में इतना ही, बाकी और भी डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कई सारी वीडियोज यहाँ पोस्टेड हैं ऑलरेडी, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।